हाय फ्रेंड्स, आई एम अनामिका सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द टीचर्स हाउस। आज मैं बात करने वाली हूँ ह्यूमन बीइंग्स के कुछ कैरेक्टर्स की। हर ह्यूमन बीइंग से गलतियाँ होती हैं, सबसे। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, आप सब से गलतियाँ होती हैं। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं और अगर हमारे अंदर सेंस है, तो क्या उन गलतियों का सुधार करना ज़रूरी नहीं? क्या उन गलतियों के लिए माफ़ी मांगना ज़रूरी नहीं? क्या उन गलतियों के लिए गिल्ट फील करना ज़रूरी नहीं? जी हाँ, तो आज का हमारा यही टॉपिक है, हाउ टू से सॉरी। सॉरी कब कहते हैं? जब हमसे कोई गलती हो जाती है। गलती जान के होती है, अनजाने में होती है, कैसे होती है वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन गलती कैसी भी हो, गलती गलती होती है और उसके बदले में माफ़ी मांगना हमारा फर्ज होता है। तो माफ़ी मांगने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे गलतियाँ एक तरह की नहीं होती, कोई गलती छोटी कोई गलती बड़ी। किसी गलती से किसी दूसरे व्यक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी एक गलती से दूसरे की लाइफ बदल जाती है। तो जिस लेवल की गलती होगी उसी तरह से माफ़ी मांगने का भी तरीका होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कैसे। पहला है आई ओवर रिएक्टेड या ओवर रिएक्टेड। ओवर रिएक्टेड वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम किसी से बहुत नाराज हो, बहुत गुस्सा हो और गुस्से में कुछ ज्यादा ही उठपटांग कह जाएं। अक्सर दोस्तों के बीच में ऐसा हो जाता है या पेरेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है। कहते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा भी इंसान उसी से करता है जो बहुत ज्यादा क्लोज होता है। तो अगर हमने किसी को इतना ज्यादा क्लोज होने के बाद किसी को बहुत ज्यादा उठपटांग कुछ कह दिया, तो उस ऑब्वियसली उसको हर्ट करेगा। अगर उसे हर्ट करेगा और जब आप कूल होंगे और आपको समझ आएगा कि मैंने गलती कर दी, उसके बाद आपके सॉरी कहने का तरीका क्या होता, आप ऐसे नहीं कह देंगे कि आई एम सॉरी, क्योंकि आपने उसे हर्ट किया है। आपने उसे वो कहा जो आपसे वो उम्मीद भी नहीं करता था। तो एक्सपेक्टेशंस उसकी कुछ और ही थी आपके लिए और आपने उसके साथ कुछ और ही एक्शन कर दिया। इसलिए हम उसके साथ सॉरी भी वैसा ही बोलेंगे जैसी गलती की थी। तो देखिए हम कैसे कहेंगे, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई ओवर रिएक्टेड दैट टाइम। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, उस समय मैंने आपको बहुत ज्यादा ही कुछ कह दिया। तो इससे क्या होता है, उसे फील होगा, हो सकता है कि आपको ये फील ना हो रहा हो, गिल्ट जैसी फीलिंग्स ना आ रही हो, बट फिर भी उसे ये फील होगा कि आपको फील हुआ तभी तो आपने उससे सॉरी कहा, तो शायद वो आपको माफ कर दे। लेकिन गलती इतनी बड़ी थी, वो आपका खास फ्रेंड था, आपने उसको गालियां दे करके अपने घर से भगा दिया गुस्से में, और बाद में आपने उससे सिर्फ सॉरी कह दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो उतनी सी बात पे मान जाए। लेकिन अगर आपने इस तरह से कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, आई ओवर रिएक्टेड दैट टाइम, मैं बहुत गुस्सा था, टेंस था, समझ नहीं आ रहा था, तो वो शायद आपकी बात मान जाए। चलिए दूसरी बात है, आई एम सॉरी आई ओवर रिएक्टेड, ठीक है। दूसरी बात है आई एम सॉरी फॉर, जो भी गलती आपने की है उस गलती का रीजन देते हुए, उस गलती का कारण बताते हुए भी आप सॉरी यानी कि माफी मांग सकते हैं, सॉरी कह सकते हैं। कैसे? सपोज आपने किसी को गाली दे दी, तो आप क्या कहोगे और सॉरी के बाद वो गलती, वो रीजन आप बताओगे, आई एम सॉरी फॉर अब्यूजिंग यू, आई एम सॉरी फॉर स्कोल्डिंग यू। और फॉर के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो आई एम सॉरी मैंने आपको डांट दिया। किसी बच्चे को भी डांटने के बाद हम लोग सॉरी कहते हैं अक्सर, सॉरी बेटा आपने ऐसी गलती की थी इसलिए मुझे डांटना पड़ा। तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम सॉरी फॉर स्कोल्डिंग यू। तो एक ये तरीका भी होता है। नेक्स्ट इज आई एम सॉरी फॉर शाउटिंग एट यू, मैंने आपके ऊपर बहुत तेज से चिल्ला के बात कर ली। सपोज मैं कहीं से टेंशन में थी और आप मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, मैंने आपकी ओर बहुत तेज से चिल्ला करके बात कर ली, हो सकता है पब्लिकली कर ली हो, आपको हर्ट किया हो, इंसल्ट हुई हो आपकी, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपसे सॉरी कहूं। सॉरी कहने का कैसा तरीका होगा, चिल्लाई थी मैं आपके ऊपर, शाउट किया था मैंने, तो वो रीजन देते हुए बताऊंगी कि आपको इतनी जोर से लोगों के सामने चिल्लाने के लिए सॉरी, माफ कर देना मुझे, तो आई एम सॉरी फॉर शाउटिंग एट यू, तुम्हारे ऊपर चिल्लाने के लिए माफ कर देना, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अत्यधिक गिल्ट है मुझे, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज इट वॉज माई फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स क्या होती है, गलती। गलती को मान लेना ही सबसे बड़ा सॉरी होता है। तो आपने क्या कहा, भाई मैं अपनी गलती मानती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं क्या करूं, हो गई। तो जब आप अपने क्लोज लोगों के साथ ऐसे बोलोगे ना, तो प्यार तो वो भी आपसे करते हैं,
बस आपने ऐसा काम ही कर दिया था कि वो आपसे नाराज है। जैसे ही आप कहोगे ना कि मैं अपनी गलती मानती हूँ, आई एम सॉरी, अब बताओ क्या करूं, वो आपको तुरंत माफ कर देगा। नेक्स्ट इज, कैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, आई एम सॉरी इट वॉज माई फॉल्ट, ये मेरी गलती थी, माफ कर दो मुझे। आई शुड हैव गिवन माई नंबर टू यू, या आई शुड हैव गिवन माई नंबर, मुझे अपना नंबर देना चाहिए था, ये मेरी गलती थी, माफ कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, कैन आई टेक दैट बैक। कभी कभी ऐसे कहते हैं मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, लेकिन उन शब्दों को वापस लेने का तरीका भी कुछ शब्द ही हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको बोल करके हम लगभग उनको वापस ले सकते हैं। आपने किसी को कुछ कह दिया, अपने से बड़ों को कुछ कह दिया, अपने टीचर को कुछ कह दिया, किसी को जहां पर एक्सपेक्टेशंस नहीं थी आपसे, और फिर आप जब उनसे सॉरी कहने जाते हैं तो कैसे कहते हैं देखिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैंने आपके साथ ऐसा किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कैन आई टेक माई वर्ड्स बैक, क्या मैं अपने शब्द वापस ले सकती हूँ। एक्चुअली कोई शब्द वापस नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है किसी से माफी मांगने का, उसका दिल पिघल जाएगा और वो आपको माफ कर देगा। चलिए नेक्स्ट इज, हाउ कैन आई मेक द थिंग्स बेटर। किसी के साथ आपने बहुत गंदे रिलेशनशिप बना लिए, बहुत अच्छा फ्रेंड था वो आपका, फिर उसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, आपने उसके साथ बहुत खराब रिलेशन बना लिए, एक दिन उसको या आपको फील होता है कि गलती हमारी थी, और आपने सोचा कि जरा सी गलती के लिए हमारा पूरा रिलेशन खराब हो जाएगा, तो आप उससे माफी मांगने जाते हैं। जब माफी मांगने जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, ऐसे कुछ कहेंगे, आई नो आई हैव हर्ट यू, मुझे पता है कि मैंने ही तुम्हें हर्ट किया है, बट नाउ, लेकिन अब, हाउ कैन आई मेक द थिंग्स बेटर, अब मैं सारी चीजें पहले जैसी कैसे करूं। आपका इतना कह देना, ट्रस्ट मी, आपका सिर्फ इतना कह देना सब कुछ पहले जैसा कर देगा, और आप फिर से उसके उतने ही खास फ्रेंड बन जाएंगे। ठीक है, तो कई बार हमारे वर्ड्स मैजिकल हो जाते हैं और हमारी लाइफ फिर से ढर्रे पे आ जाती है। तो ऐसे बोल सकते हैं हमेशा, हाउ कैन आई मेक द थिंग्स बेटर, कैसे मैं चीजें ठीक करूं, अब तो सब गड़बड़ हो गया। इसका मतलब है आप इतने डाउन टू अर्थ हैं कि आपने सारी अपने आप को बिल्कुल बिछा दिया कि अब मुझसे गलती हो गई, बताइए मैं क्या करूं, सामने वाला आपको माफ कर देगा। नेक्स्ट इज, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। बहुत क्लोज रिलेशनशिप, बहुत क्लोज, लाइक इफ यू आर गर्लफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, या फिर पेरेंट्स और बच्चे, अगर ऐसे है आपकी माँ से आपका कुछ अनबन हो गया, आपकी मम्मा को आपने कुछ ऐसा कह दिया, फिर आप क्या कहोगे, वो बहुत हर्ट होती हैं, और आप उनसे बाद में सिर्फ इतना कह दो कि आपको खोने से मैं बहुत डरता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो, इतना कहना और उनका तुरंत माफ करके आपको गले लगा लेना, ये बात तुरंत बन जाएगी। ठीक है, तो आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता हूं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ऐसे कर दें, वहां पे भी ये बात तुरंत बात बन जाएगी। ठीक है, तो आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, उस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता हूं, ऐसे नाराज मत हो। नेक्स्ट इज, आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज वहां बोलते हैं जहां पर बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं, इसका मतलब सीधा सा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, तो मुझे माफ कर दीजिए, अपोलोजाइज वर्ड वहीं यूज होता है जहां फॉर्मल रिलेशन होते हैं, अपने सीनियर्स से, अपने बॉस से अगर आपको कभी माफी मांगनी हो तो वहां पे इस वर्ड का यूज करते हैं, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक सर। ओके, नेक्स्ट इज, आई फील सो अशेम्ड। बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने ऐसी हरकत कर दी जो मैंने और आपने दोनों ने कभी नहीं सोची थी, तो ऐसी गलती पे हम लोग ऐसे बोलेंगे, आई फील सो अशेम्ड। उसके बाद, आई फील सो अशेम्ड दैट आई डू दिस, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूं, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं, आई फील सो अशेम्ड, इस तरह से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज, डोंट होल्ड एनी ग्रजेस, मेरे लिए अपने मन में कोई मैल मत रखो, मुझसे इतनी नफरत मत करो। तो कई बार होता है ना कि हमने कुछ ऐसा कह दिया कि सामने वाला हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया, वो प्यार तो बात की बात है, वो नफरत करने लगा इंसान, तो उस नफरत को वापस पहले जैसा बनाने के लिए कुछ शब्द काफी होंगे। कैसे, डोंट होल्ड एनी ग्रजेस इन योर हार्ट फॉर मी, अपने दिल में मेरे लिए कोई मैल मत रखना, मुझसे नफरत मत करना,
तो सिर्फ इतना कह देना ही आपके लिए काफी है। आई नो आई हैव डिसअपॉइंटेड यू, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत निराश किया है, बट डोंट होल्ड एनी ग्रजेस फॉर मी, लेकिन अपने मन में प्लीज मेरे लिए कोई मैल मत रखना। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें, हर बात पे आई एम सॉरी, हर बात पे आई एम सॉरी, ये अच्छा नहीं होता है। गलती तो आपने इतनी बड़ी कर दी कि किसी को गाली दे दी, किसी को डांट दिया, किसी को इंसल्ट करके अपने घर से भगा दिया, और कहा क्या सिर्फ सॉरी। तो जैसी गलती वैसा वे ऑफ सेइंग सॉरी। तो इस तरह से अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाएगा और सामने वाले पे हमारा इम्प्रेशन भी अच्छा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं मैनर्स ऑफ सेइंग सॉरी। इनको दो तीन मैनर्स को हम एक साथ भी इकट्ठा करके भी बोल सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।